प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मैं आपके लिए, बागा बाई के लिए और नट्टू काका के लिए घर से टिफिन लेके आई हूँ। नहीं चाहिए टिफिन, नहीं चाहिए। आप टिफिन सर्विस करती हैं? हाय हाय, टिफिन सर्विस तो पैसों के लिए की जाती है। मैं तो टिफिन सेवा कर रही हूँ, मैं तो इनकी पत्नी हूँ। गुलाबो टप्पू के पापा गड़ा। भाभी जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। नमस्कार भाई जेठालाल, अब होटल का खाना कैंसल, आज तो घर का खाना हो जाए। जब बंसल भाई को पता चला कि ये मेरी दूसरी पत्नी होने का दावा कर रही है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कहीं बंसल भाई मेरी डीलरशिप कैंसिल ना कर दे, क्या करूं? वैसे धंधे में दिल से नहीं दिमाग से सोचा जाता है। अब जेठालाल, इफ यू डोंट माइंड, एक पर्सनल सवाल पूछूं। जी आप गुजराती है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जय जिनेन्द्र। हाँ जय 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 जिनेन्द्र। आप गुजराती है तो फिर ये भाभी जी ने पहाड़ी लिबास पहना हुआ है क्यों? वो... अरे साहिबा शर्माइए मत, भाई साहब को सच सच बता दीजिए ना। अब दरअसल मैं पहाड़न हूँ, मुझे पहाड़ के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बिना शर्माए ये कपड़े पहनती हूँ। क्यों साहिबा? वाह वाह वाह, आप दोनों की लव मैरिज है? भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। भाभी जी हमें हमारा ट्रेडिशन तो संभाल कर रखना ही चाहिए। आप लोगों को पता है मैं खुद अपने घर पे धोती कुर्ता पहन के घूमता हूँ। मैं भी। क्या मैं भी? मैंने तो तुझे कभी घर में धोती पहनते हुए नहीं देखा है। धोती नहीं, चोइनी। जिस गांव में बागा रहता है जब वहाँ जाता है तब चोइनी पहनता है। अच्छा अच्छा, गांव में। मानना पड़ेगा जेठालाल, जैसे गांव में किसान जब खेत में काम करता है तब किसान की पत्नी घर से उसके लिए खाना लेकर आती है, उसी तरह आपके इस इलेक्ट्रॉनिक्स के खेत में आपकी पत्नी घर से आपके लिए खाना लेकर आई है। धन्यवाद भाई साहब। वाकई जेठालाल, कहना पड़ेगा आप बड़े नसीब वाले हैं। अरे बंसल भाई को कैसे बताऊं मैं नसीब का कितना बढ़िया हूँ। अरे भाभी जी आप खड़ी क्यों हैं? आप प्लीज प्लीज बैठिए, ये लीजिए चेयर और बैठिए। अरे तो ये लीजिए आप इस पर। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं। नहीं नहीं, क्या रहने, अरे आप बैठिए, मैं खड़ा हूँ। टप्पू के पापा आप खड़े, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? आप बैठिए ना। ओके थैंक यू, मैं खाई का ठीक। वाह भाई वाह वाह वाह, कहना पड़ेगा, इसे कहते हैं भारतीय संस्कृति। इस उम्र में भी पति पत्नी के बीच इतना प्यार, मुझे लगता है मुझे आप लोगों की एक फोटो तो लेनी ही पड़ेगी। मैं जाकर मेरी पत्नी को बताऊंगा कि देखो शादी के इतने सालों बाद भी पति पत्नी के बीच में इतना प्यार हो सकता है।
जेठालाल आइए आइए आइए, आप जरा नजदीक आइए, मैं एक फोटो लेता हूँ। हाँ हाँ भाई साहब, खींचिए ना। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है, क्या करूं? बंसल भाई को सच कैसे बताऊं? सच बताऊं तो प्रॉब्लम, ना बताऊं तो मां प्रॉब्लम। जेठालाल, अरे भाई बार बार क्या सोच में पड़ जाते हो? मैं ये सोच रहा था कि यहाँ का वो लाइटिंग बराबर नहीं है, तो फोटो बराबर नहीं आएगी। घर पे मेरे पास बहुत बढ़िया फोटो है हम दोनों की, तो मैं बाद में आपको वो पोस्ट में भेज दूंगा। अरे नहीं 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 जेठालाल, आप पोस्ट कब करोगे, मुझे फोटो मिलेगी कब? तो उससे अच्छा यही है कि मैं मेरे मोबाइल से फोटो ले लेता हूँ, जाकर आज ही मेरी बीवी को दिखाऊंगा। चलिए तैयार हो जाए, आप जरा नजदीक खड़े रहिए। चलो रेडी। जेठालाल जरा स्माइल रखिए मुंह पे। हाँ भाभी जी, आप भी जरा। हाँ रेडी। अब फिर से दूर हो गए। एक काम कीजिए जेठा भाई, अपना हाथ यहाँ पे कंधे पे रखिए, भाई आपकी पत्नी है। जेठालाल जरा मुंह पे स्माइल रखिए, भाई आपकी पत्नी है। ए बुलावड़ी, तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। ये कौन है? छोटी बहन दया। ओ, अच्छा अच्छा, छोटी बहन यानी जेठालाल, ये आपकी साली है? ए भाई, मैं इनकी साली नहीं हूँ। ये बंसल भाई है, दिल्ली की पार्टी है। और ये मेरी साली नहीं है, ये मेरे घरवाली है। घरवाली? गुड जोक, गुड जोक। अरे जेठालाल, लोग साली को आधी घरवाली कहते हैं, आप तो पूरी घरवाली कह रहे हो। भाई लेकिन एक बात है, जहां मन पवित्र होना वहीं पे ऐसी हंसी मजाक हो सकती है। भाभी जी आपको बताएं, मैं भी मेरी साली को कभी कभी आपके पति की तरह घरवाली कहता हूँ, वो मुझे ये जवाब देती है कि जीजा जी इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप इस पहाड़ी लिबास में और आपकी बहन गुजराती साड़ी में? क्योंकि इनके पति गुजराती हैं। बाबा नटू काका, नटू काका, बापूजी क्या कहते हैं? किसके बापूजी? किसको क्या कहते हैं? मैं बताता हूँ सेठ जी। नटू काका, सेठ जी बापूजी मतलब अपने बापूजी की बात कर रहे हैं। हाँ। बापूजी कहते हैं यहाँ का यही भुगतना पड़ता है, नहीं? अरे वो नहीं। वो नहीं। आज का दिन ही खराब है, कब खत्म होगा ये दिन? मैं ये कह रहा था कि मेरे बापूजी हमेशा कहते हैं कि जब खाना तैयार हो तो मेहमान को पल के लिए भी भूखा नहीं रखना चाहिए। तो नटू काका भागा, ये बंसल भाई को गोडाउन में ले जाओ। जल्दी जल्दी लेके जाओ। आइए 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 बंसल साहब, आइए। आपको खाना परोसती हूँ, आप भी आइए। दया प्लीज, देख तू मुझे गलत मत समझना, दरअसल हुआ यूं कि पापा आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दया, थैंक यू दया, थैंक यू। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू समझदार है। लेकिन बस अभी बहुत हो गया, मैं गोडाउन में जाके बंसल भाई को बोल देता हूँ कि तू मेरी पत्नी है, वो पहाड़ी नहीं। मेरे लिए तू सबसे पहले दुकान बाद में। सुनिए चप्पू पापा,
पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज है आपका भला सोचना। तो मैं आपका नुकसान कैसे होने दे सकती हूँ? मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा दया, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो पार्टी गुलाबों को आपकी पत्नी समझ रही है तो समझने दो। उनके समझने से गुलाब थोड़ी आपकी पत्नी हो जाएगी। आपकी पत्नी सिर्फ मैं हूँ और जन्म जन्म तक मैं ही रहूंगी। हाँ दया, लेकिन झूठ मूठ भी मैं वो पहाड़ी को अपनी पत्नी नहीं कहना चाहता। देखिए टप्पू के पापा, मुझे पता है आप हमारे लिए बिजनेस के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और वो गुलाबड़ी के लिए बिजनेस में नुकसान करे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ ना, चलने दो ये नाटक, आपको मेरी कसम। दया टप्पू के पापा प्लीज, थाली वाली सब बिछा दिया है। अरे सब कुछ रेडी है अब, मगर जीजा साली रुक कहाँ गए थे? वो मैं मेरे पति से बात कर रही थी। वैसे ही दैट मीन्स आपके साडू भाई भी यहाँ आए खाना खाने? नहीं नहीं, वो फोन पर बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, सॉरी। चलो चलो भाई, जल्दी से खाना खाते हैं। दो दिन से होटल का खाना खाकर परेशान हो गया हूँ, आज घर का खाना मिलने वाला है मुझे। हाँ हाँ साहिबा, आप बैठ जाइए, आपकी थाली मैं परोसती हूँ। नहीं देखो, बंसल भाई को बहुत भूख लगी है तो पहले उनको खाना खिलाओ। हाँ भाई, लाओ लाओ भाभी जी, जल्दी कीजिए, बड़ी भूख लगी है। तो आप मेरे हाथों का बना खाना नहीं खाएंगे? अरे गुलाबड़ी बहन, टप्पू के पापा तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं, और हमारी तो परंपरा है ना, अतिथि देवो भव। माँ के संस्कार भूल गए? पहले मेहमान को खिलाते हैं। तो गुलाबड़ी बहन, आपने जो अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया है ना, वो आप बंसल भाई को खिलाइए। हाँ बराबर है। टप्पू के पापा मेरे हाथ का खाना खा लेंगे, क्यों, बराबर ना जीजा जी? बिल्कुल बिल्कुल साली जी। चलो चलो चलो, बंसल साहब को भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। हाँ भाई, हाँ हाँ। तू मुझे खाना परोस दया। हाँ। दो दो दो। वाह भगवान, आपने मेरी लाज रख ली, मेरे प्यार और विश्वास की जीत हो गई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाभी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे लगता है अगले दो दिन मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। आइए बंसल साहब, वॉश बेसिन से इस तरफ है। आइए श्योर श्योर, प्लीज आइए। हां मैं भी आ ही रहा हूं, चलो आइए आइए। देखा, नसीब भी तेरा नहीं मेरा साथ दे रहा है। मेरे पति को खाना खिलाने का तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। बस बस दया, बस अभी बस कर, सुन लेंगे बंसल भाई, मैं हाथ धो के आता हूँ। नहीं वो तो बराबर है। सच, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, घर का खाना नहीं, घर का खाना, मजा आ गया भाई, वाह। मुझे भी आज दया के हाथ का खाना खा के मजा आ गया। चलो अभी खाना खिला के हो गया तो अभी आप निकलो। आप मेरे साहिबा हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्ते। चलो मैं भी निकलती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी डील पक्की हो गई। इस पूरे जोन की डीलरशिप अब आपको मिल चुकी है।
थैंक यू बंसल भाई, थैंक यू। 5 दिन के अंदर आपको आपका पहला ऑर्डर मिल जाएगा। थैंक यू बंसल भाई, आपने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो विश्वास रखा है वो हम कभी टूटने नहीं देंगे। आपके फोन के बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, आपके घर का खाना खाकर और आपकी फैमिली वैल्यू देखकर मैं बहुत खुश हुआ। माफ कीजिएगा बंसल भाई, लेकिन वो पहाड़ी औरत मेरी बीवी नहीं है। मेरी असली बीवी वो दया है, जिसको आप साली समझ रहे थे वो मेरी बीवी है। क्या तुमने मुझसे झूठ कहा? तुम्हारे जैसे झूठे आदमी के साथ मैं बिजनेस करना ही नहीं चाहता। तुम्हारी डीलरशिप कैंसल कैंसल कैंसल। हे भगवान, आज का दिन ही खराब है। बंसल भाई, मैं यहां हूं। कहां खो गए आप? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो आपके स्मार्टफोन के सेलिंग की प्लानिंग में खो गए होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुड गुड वेरी गुड। ऑलराइट, तो जेठालाल मैं चलता हूँ। ओके मिलेंगे फिर। अरे अब आपको मेरे घर दिल्ली आपकी वाइफ को लेके जरूर आना है, मेरे घर का खाना खाने। जरूर जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा। चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू थैंक यू, बाय। हे भगवान, ये किस टाइप की परीक्षा ली आपने मेरी? डीलरशिप का लड्डू तो खिला है, लेकिन लड्डू के बीच में पहाड़ी कंकर डालने की क्या जरूरत थी? पहाड़ी नटू काका, मैं घर जा रहा हूँ, इसे जरा संभाल कर दुकान में रख देना। इतनी जल्दी घर क्यों? अरे वो पहाड़ी और दया दोनों घर गए हैं, वहाँ सोसाइटी कंपाउंड में कोई नया बखेड़ा शुरू न कर दे इसलिए। सॉरी सेठ जी, आप घर नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो ढोलक के सेठ के पास हमारा बड़ा पेमेंट बाकी है, आप उनसे एक बार मिल लेंगे तो हमारा पेमेंट छूट जाएगा ना। कल मिल लूंगा। अरे सेठ जी, वो आज रात को 2 महीने के लिए चेन्नई जा रहे हैं, वहाँ अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। सेठ जी के पैसे से ही कर रहे होंगे। नटू काका, आपको पहले बताना चाहिए ना मुझे। पहले आप नेचुरोपैथी में थे ना। ठीक है चलो, ढोलक कैसे मिल के आते हैं। भगवान, ढोलक कैसे पेमेंट मिल जाए ऐसा करना, और सोसाइटी कंपाउंड में फटे ढोल जैसा हाल ना हो ऐसा भी करना। ये पहाड़ी और अहमदाबादी दोनों का सद्बुद्धि देना प्रभु। तथास्तु। भगवान ऐसा बोल रहे होंगे। काफी देर हो गए ना गुलाब और दया भाभी को दुकान जाके। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, क्या हुआ होगा वहां दुकान में? मरे रे, अभी तक तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में शॉर्ट सर्किट बंद हो गया होगा। क्या हुआ? अंदर आओ ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। ए, हुशियारी मत कर, चुपचाप इधर आ। क्या बात है छोटी बहन? मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और तू क्यों मेरे पति के लिए दुकान पर टिफिन लेकर गई थी? बहुत डांटाई बन रही थी, हो गया ना पचका। अरे गुलाबो, बार बार दया भाभी को क्यों परेशान कर रही हो तू? देख आखिरी बार बोल रही हूँ गुलाबड़ी, मेरे पति से दूर ही रहना। इतने सालों दूर ही तो थी उनसे, अब जब साथ रहने का सौभाग्य मिला है तो मुझे मेरा पति धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी। अच्छा ठीक है, तो ये बात जब अदालत में मिलेंगे ना तब जज साहब के सामने कहना, और देखना अदालत में साबित हो जाएगा कि साई भाई मेरे पति हैं। जा जा, सपने देख सपने। सपने तुम देखना, मुझे मेरे बागी और अदालत पे पूरा भरोसा है।
इतनी चिट्ठी चेहरा। मुझे भी मेरे भाग्य और अदालत पर पूरा विश्वास है। तुम्हारा विश्वास ये झोपड़े जैसा है और मेरा विश्वास ये गोकुलधाम सोसाइटी की तरह मजबूत है। शाबाश साहब, अभी देखना, समय की हवा आएगी तो तुम्हारा विश्वास और ये झोपड़ा दोनों उड़ जाएंगे और सोसाइटी की तरह मेरा विश्वास अलग रहेगा। दोस्तों, गुलाब और दया भाभी दोनों आमने सामने और दोनों के ही तेवर खतरनाक है, लेकिन दया भाभी के तेवर बिल्कुल एक शेरनी की तरह है इस वक्त। हालांकि ये बात अलग है कि इन दोनों के बीच में जेठालाल का हाल बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह हो गया, लेकिन एक बात तय है, जंगल की रानी तो शेरनी ही होती है और ये दया भाभी ने साबित भी कर दिया। दुकान में जेठालाल को अपने हाथों का खाना खिला के उन्होंने गुलाबों को मात दे दी है, लेकिन इन दो औरतों या कहें कि दो पत्नियों, एक जो पत्नी का दावा कर रही है, उन दोनों के बीच का जो मुकाबला है बड़ा ही दिलचस्प है। दया भाभी के साथ जहां प्यार है, विश्वास है, जन्मों जन्मांतर का अटूट बंधन है, उनका सुहाग है, और दूसरी ओर गुलाबों के पास शादी के सबूत है और कानून का साथ है। अब देखना यह है कि अदालत में ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है। ये बात तय है कि जिंदगी के तमाम सत्य अदालत में हिचकोले खाने लगते हैं। अब क्या होगा इस यात्रा में, जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.